बिहार के बक्सर में जो रेल हादसा हुआ उससे सभी की रूह कांप गई। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन आनंद बिहार टर्मिनल से आ रही थी। कामाख्या तक इस ट्रेन से यात्री सफर करते हैं। अचानक रात 10:45 बजे जब सभी खाना खा के सोने जा रहे थे, तभी ट्रेन में जोर के झटके लगने लगे। बक्सर से आगे रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें, बक्सर के रेल हादसे में असम के भंडारी परिवार की खुशियां बिखर कर रह गई। दिल्ली के आनंद बिहार से इस परिवार ने एक सेल्फी के साथ सफर की शुरुआत की थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये सेल्फी उनके परिवार की अंतिम सेल्फी होगी। आपको बता दें कि इस हादसे में दीपक भंडारी की पत्नी और एक बेटी की जान चली गई। ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार सुबह दिल्ली के आनंद बिहार स्टेशन से रवाना हुई थी। करीब 33 घंटे का सफर पूरा करके ट्रेन जलपाईगुड़ी पहुंचना था। असम के रहने वाले दीपक भंडारी भी अपनी पत्नी और दो जुड़वा बेटियों के साथ इकोनॉमी M1 क्लास में सफर कर रहे थे। रात के करीब 10 बजे होंगे, ट्रेन अपने समय से चल रही थी। सभी यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक जोर की आवाज आई और देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास ट्रेन की कई बग्घियां पटरी से उतरकर पलट गईं। कई यात्री सीट के नीचे दब गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे भंडारी परिवार को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। इस बीच दीपक भंडारी की आंखें अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रही थीं। तभी दीपक को पापा की आवाज सुनाई दी। दीपक समझ गए कि वो उनकी बेटी की आवाज है। बग्घी के अंदर का नजारा काफी डरावना था। कोई यात्री सीट के नीचे तो कोई खिड़की के नीचे फंसा था, लेकिन दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह बेटी अदिति को बाहर निकाला। इसके बाद दीपक की आंखें पत्नी उषा और दूसरी बेटी आकृति, जो कि 8 साल की थी, उसको ढूंढने लगे। तभी ट्रेन की टूटी खिड़की के बाहर दीपक की नजर पड़ी। पत्नी उषा और आकृति को देखकर वो समझ गए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अदिति और आकृति दोनों जुड़वा थीं। दीपक बताते हैं कि जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरी, झटका इतना जोरदार था कि उनकी पत्नी और एक बच्ची ट्रेन की खिड़की से बाहर गिर गई और दोनों की जान चली गई और उनका जलपाईगुड़ी तक का सफर अधूरा रह गया। इस बीच दीपक और उनकी बेटी का बक्सर के रघुनाथपुर सामुदायिक केंद्र में इलाज चल रहा है। बाप बेटी दोनों ठीक हैं। पिता दीपक कुछ समय पहले की उनकी सेल्फी को याद करते हैं, तो दूसरी तरफ बेटी अदिति बार बार अपनी माँ और दीदी के बारे में पूछती है। उसे नहीं मालूम कि उसकी दीदी और माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल के बिस्तर पर जो इस बाप बेटी को देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।